नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्य न्यूज है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच अब गठबंधन हो चुका है। दोनों ही पार्टियों के बीच समीकरण भी बन गया है। इस बार रालोद की जिम्मेदारी चौधरी जयंत सिंह पर है। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनका यह पहला इम्तिहान होगा, जहां एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव छोटे दलों को अपने साथ ला रहे हैं, तो वहीं रालोद का साथ पश्चिमी यूपी में सपा को कितना फायदा पहुंचा सकता है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बड़ी बहस होगी चक्रव्यूह में, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बुआ की बात बनी ना राजकुमार के साथ ना ही बुआ के साथ, अब साइकिल चली है आरएलडी के साथ। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन तो हो गया, दोनों पार्टियों के बीच समीकरण भी बन चुका है, पर चौधरी जयंत सिंह क्या अब बीजेपी के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहरा पाएंगे? पश्चिमी यूपी में जाट करीब 20% है, वही मुस्लिम लगभग 30% और दलित 25% है। ऐसे में जयंत को जाट मतदाताओं के साथ दलित और मुस्लिम को साथ जोड़ना होगा। सपा के साथ आने से मुस्लिम मतदाता जयंत को वोट तो कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम यूपी में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली की ज्यादातर सीटों पर जाट मुस्लिम और दलित बहुत जरूरी है। वही राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जाट मतदाता भी एकजुट होकर रालोद को वोट नहीं देंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जाटों में अपनी पकड़ बनाई है। वह मानते हैं कि जिस सीट पर आरएलडी का उम्मीदवार नहीं होगा, उसका मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता से होगा। वहां जाट मतदाता भाजपा को वोट कर सकते हैं। वहीं आरएलडी को भी मुस्लिमों को बेहतर प्रतिनिधित्व देना होगा, क्योंकि मुसलमानों को दरकिनार कर वह जाट मतदाताओं की बुनियाद पर कोई सीट नहीं जीत सकती है। वहीं दलितों की संख्या भी अच्छी खासी है, पर पूरे एक साल से बॉर्डर पर बैठे किसान इस बार बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, जिसका फायदा सीधा सीधा आरएलडी को होगा, और वहीं सपा भी इसका फायदा उठाने से नहीं चूकना चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सपा और आरएलडी उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल संयुक्त रैलियां कर प्रदेशवासियों का दिल जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में मेरठ में 7 दिसंबर से संयुक्त रैली की शुरुआत होने वाली है। बता दें, दोनों दलों के गठबंधन के बाद ये पहली रैली होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह मेरठ सहारनपुर में 2 कार्यक्रम में वेस्ट यूपी को साधेंगे। इसके लिए भाजपा भी पश्चिमी यूपी को साधने की तैयारियां कर रही है। बता दें, गठबंधन की पहली संयुक्त रैली को लेकर मेरठ में सपा और आरएलडी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस मीटिंग में रैली को कामयाब तरीके से पूरा करने के लिए रणनीति बनाई गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान संयुक्त बैठक में अखिलेश यादव के करीबी अतुल प्रधान भी मौजूद रहे। सपा आरएलडी का गठबंधन भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और क्या 2022 के चुनाव में सपा और आरएलडी बीजेपी के 400 पार के नारे पर वार कर सकती है? आज चक्रव्यूह में हम बात करेंगे सपा और आरएलडी। तो वहीं यूपी में इस वक्त सियासी पारा जोरों पर है, गरमा चुकी है वहां की सियासत, और लगातार आरएलडी और सपा के एक साथ आ जाने के बाद अब बीजेपी की परेशानी कितनी बढ़ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार चुनावी रैलियों को लेकर भी बहुत सीरियस माहौल इस वक्त तैयार हो चुका है, और आरएलडी और सपा दोनों गठबंधन के बाद अपनी पहली रैली को आयोजित करने जा रही हैं, जो कि 7 दिसंबर को जारी होगी, जहां आपको बता दें कि ये दोनों पार्टी एक साथ मिलकर चुनावी प्रचार में एकजुट हो चुकी हैं और अब जाट और मुस्लिम समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। को बता दें, लगातार सपा आरएलडी के बीच इस गठबंधन के बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बीजेपी को आगे समस्या हो सकती है। हालांकि जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं, उनको साधने के लिए अभी सपा और आरएलडी को भी मिलकर काफी मजबूती के साथ यहां पर काम करने की कोशिश करनी होगी। साथ ही बता दें चलें, 7 दिसंबर को संयुक्त रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर वोटर्स को साधने की कोशिश यहां पर सपा और आरएलडी मिलकर करेंगे। आपको बताते चलें कि गृहमंत्री अमित शाह भी मेरठ और सहारनपुर में 2 कार्यक्रमों में वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भाजपा भी अब पश्चिमी यूपी को साधने के लिए तैयारी कर रही है। बता दें कि गठबंधन की पहली संयुक्त रैली को लेकर मेरठ में सपा और आरएलडी की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। इस मीटिंग में रैली को लेकर और कामयाब तरीके से इसे पूरा करने के लिए भी रणनीति बनाई गई, उस पर चर्चाएं की गई, और मंथन का दौर लगातार जारी है और सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बताते चलें कि बैठक जिस तरीके से की गई है सपा और आरएलडी के बीच में, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ अब चुनावी रण में
ये पार्टी उतरने के लिए तैयार है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस दौरान संयुक्त बैठक में अखिलेश यादव के करीबी अतुल प्रधान भी मौजूद रहे थे। हालांकि सपा आरएलडी का गठबंधन भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा सकता है और क्या 2022 के चुनाव में सपा और आरएलडी बीजेपी के 400 पार के नारे पर वार कर सकती हैं, आज चक्रव्यूह में इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सपा और आरएलडी के बनाए गए इस चक्रव्यूह पर क्या बीजेपी इसे पार कर पाएगी, इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी बीजेपी या फिर अपनी सत्ता गवा बैठेगी। हालांकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच कांटेदार टक्कर यहां पर बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार ये समीकरण बदल रहे हैं, जो मतदाताओं को लेकर जो सर्वे किया जा रहा है उसको लेकर भी सपा और बीजेपी के बीच काफी कांटेदार टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। बात अगर बुलंदशहर की जाए तो पिछले हफ्ते ही देखने को मिला है कि करीब 32% के जो मतदाता हैं वो सपा के पक्ष में है फिलहाल, जबकि बीजेपी के पक्ष में 41% मतदाता सामने आए हैं। तो ये ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन कहना मुश्किल होगा, दोनों ही पार्टी बहुत प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो वहीं अब जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कहते नजर आए थे कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करके पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, तो उन्होंने भी इस कदम के ऊपर अब चलना शुरू कर दिया है और अब आरएलडी के साथ गठबंधन सपा का हो चुका है, जिसके कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे और आखिरकार सीटों पर सहमति बन चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि आरएलडी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है और घोषणा पत्र जारी करने वाली वो पहली पार्टी भी बनी है। हालांकि देखना यह होगा कि आरएलडी और सपा के जो समर्थक हैं उनके बीच समर्थन को लेकर भी और किस तरीके से उनके बीच समीकरण बिठाया जाएगा, इसको लेकर भी सवाल एक बड़ा खड़ा होता है यहाँ पर, क्योंकि जो दोनों पार्टियां हैं आरएलडी और सपा, इनके जो समर्थक हैं उनके बीच किस तरीके से बैलेंस करके चलेगी पार्टी और कैसे जो वादे और जो दावे आरएलडी कर चुकी है उसको सपा पार्टी मिलकर किस तरीके से पूरा करेगी। आपको बता दें कि घोषणा पत्र में आरएलडी ने साफ कहा है कि महिलाओं को हर विभाग में 50% आरक्षण दिया जाएगा, इसके साथ ही 1 करोड़ रोजगार युवाओं को देने का वादा भी किया गया। वहीं अब हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं प्रदीप भटनागर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और साथ ही हिमांशु वाजपेयी जी जो कि हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आरएन न्यूज पर। हिमांशु जी, मेरा पहला सवाल आपके पास जाएगा कि आरएलडी अपना घोषणा पत्र जो है जारी करने वाली पहली पार्टी रही, पश्चिमी यूपी में एक माहौल तैयार किया गया, तो अब जब सपा से गठबंधन किया गया है तो उस घोषणा पत्र का क्या होगा, किस तरीके से उसको जो तमाम वादे किए गए हैं पूरे किए जाएंगे? हिमांशु जी से हमारा संपर्क करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। दर्शकों को तब तक बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सियासी पारा इस वक्त काफी गर्म है और बीजेपी सपा आरएलडी अब सभी के बीच एक कांटेदार टक्कर यहां पर शुरू हो चुकी है। आपको बता दें लगातार सपा रैलियां कर रही है, सपा पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी जोर शोर से प्रचार में जुट चुके हैं, अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और अब आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं वो आरएलडी के साथ 7 दिसंबर को संयुक्त रैली करेंगे। पहली बार गठबंधन के बाद ये दोनों पार्टियां प्रमुखता के साथ रैली करने जा रही हैं और जनता को साधने की यहां पर कोशिश की जाएगी। आपको बता दें पश्चिमी यूपी एक काफी अहम भूमिका यहां पर निभा सकता है आगामी चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि वहां पर आपको बता दें कि जाट करीब 20% है जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग लगभग 30% हैं और दलित 25% हैं। ऐसे में जयंत को जाट मतदाताओं के साथ दलित और मुसलमानों के साथ जोड़ना होगा। सपा के साथ भी आने से मुस्लिम मतदाता वोट कर सकते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल की ज्यादातर सीट पर जीत के लिए जाट, मुस्लिम और दलित तीनों की भूमिका ही काफी जरूरी है यहाँ पर। तो वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जाट मतदाता भी एकजुट होकर रालोद को वोट नहीं देंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जाटों में अपनी खास पकड़ बनाई थी। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से कृषि कानून केंद्र की तरफ से तो प्रदीप भटनागर जी से मेरा सवाल यहां पर रहेगा। प्रदीप जी, हेलो जी, प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आती है। तो प्रदीप भटनागर जी, आरएलडी और सपा का गठबंधन यहाँ पर हो चुका है, बीजेपी को कितना खतरा हो सकता है इस गठबंधन से? देखिए, अगर आप बीजेपी के खतरे की बात करते हैं, सबसे पहले अगर आज इनकी आज रैली जो मेरठ के अंदर है, आज जयंत जी और अखिलेश जी की, सबसे पहले मेरठ में ये बताना पड़ेगा कि मेरठ मंडल को दिया क्या इन्होंने, पश्चिम को दिया क्या इन्होंने, सबसे पहले ये सवाल है कि दिया क्या। घबराहट और जीत की बात तो तब होगी जनता जब पूछेगी आपने क्या दिया हमारे को, गुंडागर्दी, अराजकता, 8-8-10-10 घंटे का कट, सब चीजें उसकी बात पता लगेगी। इसी के अगर हम प्रदीप जी, सत्ता में आपकी पार्टी बैठी हुई है, इस वक्त उनसे ये सवाल पूछना जायज नहीं रहेगा। बात यहाँ पर सिर्फ अगर सीटों की जाए तो आपको बता दें कि दोनों दलों के बीच गठबंधन की स्थिति में अब पश्चिमी यूपी की 136 सीटों के समीकरण प्रभावित होंगे, काफी एक बड़ा ये जो है आंकड़ा है। प्रदीप जी, जी जी, देखिए मैं आपको थोड़ा बताऊं, क्योंकि चुनाव का अभियान सब पार्टियों ने चालू कर दिया है, कार्यक्रम और रैली सब चालू कर दिए, और भीड़ जुटाने के लिए जितने नेता टिकाते टारती हैं या जो नेता भी नेता है, सब भीड़ जुटाने के लिए सब परिश्रम करते हैं, और ये परिश्रम इसलिए करते हैं कि अपने नेता खुश करना होता है। हाँ, जब वैलेट के नंबर आता है तो वो बताता है हार जीत, पर हमने हम इससे बहुत संतुष्ट है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम थे हमने अभी पूर्ण रूप से पूरे नहीं किए, वो भी पूरे करेंगे विकास के, और हमें विश्वास है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछली बार जिस तरह हमें आशीर्वाद दिया, वोट दिया और जिता के विधानसभा लखनऊ भेजा, फिर भेजेगी हमारे को, हमें पूर्ण विश्वास है अपने पश्चिम की जनता पे। जी तो प्रदीप जी, एक सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि हालांकि पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों से बात करने में बीजेपी ने हिचक रहे हैं, क्योंकि अब तक कोई रैली जो है वहां पर पश्चिमी यूपी में प्रमुखता के साथ बीजेपी नेता यहाँ पर नजर नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए आप किसानों की बात करते हैं, किसानों की जो भी चीजें थी उसको माना गया, मगर अब आप देखेंगे कि राकेश टिकैत जी जिस तरीके से अपने को वो अधूरा और जीरो महसूस कर रहे हैं, उस तरीके से जो उन्होंने अभी एमएसपी को लेकर, उन्हें पता है कि एमएसपी कोई भी चीज जारी होती है उसके लिए कमेटी बनती है, और उन्होंने पूर्ण रूप से अच्छी पता है, और इन्होंने जो बात करी जो किसान शहीद हुए उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रहे अभी भी चली गई। दूसरी चीज, हर किसानों ने जो किसान मित्र नेता बैठे थे और जो गरीब किसानों की मांग थी और इन्होंने जो उठा रखी थी पूर्ण तो कभी थी, मगर इनकी हट ने उस कानून को खत्म करा दिया। अब इस कानून को खत्म होने से नुकसान फायदा तो बाद में पता लगेगा जब चीजें यूज होगी चली थी। दूसरी चीज, अगर हम समझे किसानों को लेके, किसानों को जो घाटा था होगा, मगर इन्होंने जो राजनीति चमकानी चमका दी, मगर अब ये हट दिखा रहे अपनी जिद, क्योंकि सरकार ने मान लिया, ये चाहते थे सर, आपने सुना होगा कि राकेश टिकैत जी को कि बोलने का तरीका किस तरीके से, संबोधन किस तरीके से, घुटने टिका देंगे, गोदी लाठा का कर देंगे, क्या आपने क्या क्या लैंग्वेज हमने सुनी है पता है हम। और एक देखिए, इतना बड़ा आप किसानों का देश के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं और आपके साथ लाखों किसान जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या संख्या और सभ्यता क्या देना चाहते हैं, किसी से देखनी चाहिए आदरणीय राकेश टिकैत जी को कि आप क्या बोल रहे हैं। प्रदीप जी, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर, हमारे साथ जो है हिमांशु वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं सपा से। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आ रहे न्यूज पर आपका। हिमांशु जी, चलिए हिमांशु जी से दोबारा एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, एक बार फिर आप पर लौटना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे सर किसानों की, कि राकेश टिकैत की वजह से अभी भी किसान अड़े हुए हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो वापसी कर चुके हैं और अब वो राजनीति में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है यहाँ पर। देखिए, मैं अगर आपके माध्यम से, मैं किसान भाइयों से या अपने भारतवासियों से अगर कहना चाहूँ या अपने मन की बात रखना चाहूँ तो उसमें यही कहूंगा कि जो सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के प्रति दिल बड़ा करके जो भी चीज दिखाई और बोली, उस चीज में अगर जो किसान नेता संतुष्ट हैं, जो इन्होंने आज घर वापसी की मान ली और जा भी रहे हैं, तो आप इससे लगा लीजिए कि जो किसान जो जो 40-45 से आज वो 35-32 रह गए, तो आप समझ सकते हैं किसानों को संतुष्ट करने में सरकार कई हद तक कामयाब रही है और समझाने में भी कामयाब रही है। मगर आप जब देखिए पॉलिटिकल की तरफ जाके कि आदरणीय राकेश टिकैत जी खुद एक पार्टी से आते हैं और अब वो क्या हट और प्रदेश के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं, इस चीज में स्पष्टीकरण हमें आपको दिख रहा है। तो इसके बावजूद भाजपा जो है उसके नेतृत्व बीते लगभग एक महीने से पूर्वांचल से लेकर मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र तक काफी सक्रिय है, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसकी गतिविधियां बाकी क्षेत्रों के मुकाबले काफी कम है, जहां किसान संख्या है। क्या डर रही है बीजेपी किसानों का सामना करने से? नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूँ।
हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं और पश्चिम में हर वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है, सभाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है। अभी आपने देहरादून में भी देखा, सहारनपुर में भी देखा, और हमें बड़ा संतुष्टि है कि हमने पश्चिम में काम किया है। और हमारे जो कार्यकर्ता, एक दिखावे में और एक काम करने में बड़ा फर्क होता है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, मेरे साथी कार्यकर्ता, पूर्ण मेहनत से प्रदेश के अंदर अपने क्षेत्र के लोगों को समझाने में, संतुष्ट करने में लगे, और हम समझते हैं कि हम पश्चिम में कहीं पीछे नहीं है और पश्चिम में पूरी तरह से लीड करेंगे हम लोग, और हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, जयंत जी के अगर बारे में पूछें तो आदरणीय जयंत परिवार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ सदैव छल और कपट किया है, और उसका उदाहरण तो हम आपको क्या बताएं कि हमारे साथ भी सदन में चुनाव उन्होंने लड़ा गठबंधन में, और जब वो जीत गए तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस के साथ केंद्रीय मंत्री बन गए। क्योंकि इसलिए उनका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट समुदाय हो चाहे वहां का वोटर हो, वो बहुत अजीत सिंह जी से नाराज रहा है। ये एक जो स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी की संवेदना जो आज जो जयंत चौधरी जी को मिल रही है उसको लेकर भीड़ है। प्रदीप जी, जयंत चौधरी की तरफ से जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, तो बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र कब आ सकता है? पिछली बार का जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, काफी अहम मुद्दे उसमें थे, लेकिन अब जो है बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या अहम मुद्दे हैं जो हम देख सकते हैं, जनता क्या अपेक्षा करे? बिल्कुल, देखिए, अगर आप जयंत चौधरी जी की बात करें, जयंत चौधरी जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। जयंत चौधरी जी केवल एक अपने मंच पे खाली कुछ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, और केवल जयंत जी बोलने का काम कर रहे हैं। बोल बच्चन जी है, बोल बच्चन, वो केवल बोल बच्चन कर रहे हैं इसमें। क्योंकि उन्होंने सुनने में आया कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद भी मांगा है। अब जिस पार्टी को केवल 3 दर्जन सीटें मिल रही हो, और वो भी गारंटेड नहीं है कि उसमें 2 आएंगी या 4 आएंगी, ऐसे आदमी अगर कहे कि 12,000 रुपए किसानों को कर देंगे, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोली, और वो आप कैसे कर देंगे? कहीं जरिया तो बताइए ना करने का। या तो ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 80-85 सीटें हैं और आप 80-85 सीटों पर लड़ रहे हो, तो एक दावेदारी बन कीजिए। जहाँ समाजवादी पार्टी का मुखिया होगा, और ये एक उसके संबंध में एक तो ये है कि सहयोगी दल है, तो ये कैसे कर पाएंगे? तो थोड़ा सा ये चीज है पहली चीज। अगर ये इतने आज पश्चिम के लिए इतना आप झोली फैला रहे हैं, आज हाथ खोल के आप हर चीज बोल रहे हैं, तो आप तो कम से कम आप पिछली सरकार में आप इनके अलायंस रहे, कम से कम पश्चिम की तब तो याद करते हैं आप कि पश्चिम का आदमी कितना पीड़ित है। आज जो लोनी क्षेत्र जो रास्ता जाता है देहरादून का, ये बहुत आज भी कम से कम 150-200 साल पुराना रास्ता है, जो देहरादून से दिल्ली का सुगम रास्ता केवल 2 से 2.5 घंटे लगते थे, और आज उसमें 6 से 7 घंटे लगते हैं, और उस रोड को भी बनने में तैयारी में शुरू हो चुका है। आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी देहरादून से घोषणा करी है, वो एक देहरादून को, उत्तराखंड को बहुत एक टूरिज्म में सहयोग करेगा। अगर हमारे देश में टूरिस्ट आएगा तो हमारे आय बढ़ेगी। उस काम को लेके भारतवर्ष के अंदर रोड चौड़ी करी गई है, रोड नई बनाई गई है, पर जिस बात का क्रेडिट आज बीजेपी ले रही है उसकी आधारशिला तो अखिलेश राज में रखी गई थी, इस तरह से विपक्ष को कहना है। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। अगर अखिलेश जी के कार्यकाल की तरफ चलते हैं, अगर हम चले 2016 दिसंबर की तरफ, तो 16 दिसंबर में 2200 कुछ घोषणाएं करी थी अखिलेश जी ने, फीते काटे थे 20 दिन के अंदर, इतने सारे जो एक काम नहीं किया, तो करते कैसे? क्योंकि उन्हें प्रदेश के अंदर फंड तो इकट्ठा कराने का भी, राजस्व के बारे में सोचा नहीं कभी। उन्होंने लैपटॉप बांटने की तो घोषणा कर दी, मगर वो सरकारी पैसे से, जीती उनकी पार्टी और भरा किसने? जनता के पैसों में। चलिए, हमारे साथ हिमांशु जी भी जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उन्हीं से सवाल का जवाब ले लेते हैं। हिमांशु जी, मैं बड़ी गौर से भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था जी। आप इनकी एक एक बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि मुजफ्फरनगर और मेरठ को दिया क्या है। देखिए, मेरठ और मुजफ्फरनगर जो क्षेत्र है वो गन्ना किसान बाहुल्य क्षेत्र है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम किया, उस मूल्य को बढ़ाते बढ़ाते योगी सरकार को 4.5 वर्ष लग गए। अब इन्होंने मेरठ को क्या दिया? इन्होंने मेरठ के किसानों के परिवारों से ज्यादा उनके परिजनों की लाशें दी हैं। इन्होंने मेरठ के किसानों का 1 वर्ष से अधिक समय सड़कों पर बर्बाद किया है। अब दूसरी बात करते हैं, ये अभी इन्होंने छल कपट की बात कही, जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके मुखिया पर छल कपट करने का आरोप लगाया। तो ये लोग जब छल कपट पर बातें गठबंधन को लेकर करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करते हैं,
शिवसेना का गठबंधन इनका इतना पुराना, इनकी सिर्फ सत्ता के लालच में टूटता है, कुर्सी के लालच में टूटता है, और उत्तर प्रदेश का इतिहास जो बहुजन समाज पार्टी के साथ इनके साथ 6-6 महीने का गठबंधन रहा है, उसमें भी छलकपट का दौर पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने देखा है। और तीसरी और इनकी एक महत्वपूर्ण बात, जो इन्होंने राकेश टिकैत जी की भाषा शैली पर टिप्पणी करी है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट से, पेज से, जिस प्रकार किसानों के फोटो डाले गए हैं कि उनके बाल पकड़ के राकेश टिकैत की खींचा जा रहा है उत्तर प्रदेश आने पर, जिस प्रकार इनके मंत्री ने किसानों को, मंत्री के बेटे ने जीप तले रौंदने का काम किया है, जिस प्रकार की भाषा शैली किसान आंदोलन के दौरान इनके तमाम मंत्रियों की रही है, किसी ने उनको आतंकी बताया है, किसी ने खालिस्तानी बताया है, किसी ने तमाम तरीके के उलू जुलूल बयान देने का काम किया है, तो ये लोग इस प्रकार के झूठ और ढोंग वाले लोग हैं। और क्योंकि आज ये इसलिए चिंतित हैं, देखिए चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हम सब ने सदैव किसानों के साथ, किसानों की आवाज को उठाने का काम किया है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है, क्योंकि एक वर्ष से ज्यादा का समय हो गया इनको समझते समझते कि किसानों का हित बिलों में है या नहीं है। और वो भी टाइमिंग आप देखिए कितनी खूबसूरत टाइमिंग इन्होंने चुनी है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर इनको पूरी तरीके से अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आई, तब देश के प्रधानमंत्री को ये याद आया कि किसान आंदोलन में हमें माफी मांगनी चाहिए, हमको किसानों को समझाने। परिमांशु जी, कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर रहा पीएम मोदी का यहाँ पर, और एक काफी बड़ा मुद्दा ये नहीं लगता आपको विपक्ष के हाथ से निकल चुका है अब, क्योंकि किसानों का मुद्दा प्रमुखता के साथ पूरे एक साल से विपक्ष खींचने में लगा था। 700 किसानों की ज्यादा शहादत कोई मुद्दा नहीं हो सकती है। आप किसी की जान लेने के बाद माफी मांगने देश के सामने खड़े होकर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर लें, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये बयां करता है कि एक वर्ष से आपकी तानाशाही और आपकी जिद ने इस देश के अन्नदाता के साथ जो व्यवहार किया है, और आप कह रहे हैं समझाने में, हमसे समझाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। कैसे समझाते आप? जीप तले रौंद के आपने समझा लिया, कीले ठोक कर सड़कों पर आपने समझा लिया, बैरिकेड लगाकर आपने समझा लिया, पानी की बौछारें कर आपने समझा लिया, तमाम तरीके की गालियां देकर आपके मंत्रियों ने और आपने समझा लिया, और किस प्रकार समझाने में कमी रह गई किसानों को। और आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देख लिया कि किसान आंदोलन और जो देश का अन्नदाता है वो इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो आपको गद्दी पर बैठाने की ताकत और कुव्वत रखता है, गद्दी से उठाकर फेंकने की भी ताकत और कुव्वत रखता है, तब आज आप किसानों के सामने झुक गए। अब मैं बड़ी गंभीरता के साथ पूछना चाहता हूं कि अगर ये किसान खालिस्तानी थे, इन किसानों की विदेशी फंडिंग आ रही थी, ये किसान आतंकी थे, तो आप किनके सामने झुके हैं? आतंकियों के सामने झुके हैं? प्रदीप जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, यहाँ पर तानाशाही का आरोप एक बार फिर से लगाया बीजेपी पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने जो पश्चिम के बारे में बात करी उसमें कोई सवाल जवाब नहीं आया, मैंने विकास की बात करी उसमें कोई सवाल जवाब नहीं आया, इन्होंने किसानों की बात करी, मैं एक जवाब दे दूं इनको कि इनके राज में 10 चीनी मिलें बंद हुई। आजमगढ़ जहाँ से सांसद और जो सीट है अखिलेश जी की, वहाँ से उन्हें चुन के आए और वहाँ की चीनी मिल चालू होनी थी मगर उसका फंड नहीं मिला। अगर इतने शुभचिंतक थे, जो प्रदेश की जो बीजेपी सरकार ने 19 चीनी मिलें चालू करी, आपने क्यों नहीं कर दी? आज आपने चिंता दिखाई, आपने जो मुजफ्फरनगर से सहारनपुर हाईवे बनाया अधूरा क्यों छोड़ देना आपने, क्या बता पाएंगे? आपको बड़ी चिंता थी, आपने मुलायम अखिलेश जी के रिश्तेदार ने जो बनाया, क्या उसे अधूरा क्यों छोड़ देगा? थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, नहीं बताएंगे। मैं भी अगर चाहूँ तो मैं भी किसान और बहुत विषय हैं बोलने के लिए पुराने, मगर मेन मुद्दों पर आज जो बात हो रही है बैठ के, उसके विषय में कोई सवाल जवाब नहीं होगा ना ये बोलेंगे। लेकिन प्रदीप जी, जाट समुदाय जो रहा है, किसानों में ज्यादातर प्रमुख जो है जाट समुदाय है, जाट समुदाय ने भाजपा का जमकर साथ दिया था, जिसके नतीजे के बाद चुनाव में 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां पर 136 में से 109 सीटें जीती थी, जबकि सपा के हिस्से में सिर्फ 20 सीटें आई थी, रालोद को एक ही सीट मिली थी। तो क्या सपा और रालोद गठबंधन इस क्षेत्र में जीत हासिल कर पाएगा, अगर पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए? सर मैं बताऊं, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिससे मेरे भाई बहन जितने भी हैं उनको सदैव ठगा गया। आज उस पार्टी से कोई लड़ लिया चुनाव, कोई लोकदल से लड़ लिया, कोई समाजवादी पार्टी से लड़ लिया, आज उन पार्टी चेंज करके वहां के मुखिया लड़ा करते थे, जो जाटों के सरपंच बनते थे, मुखिया बनते थे, मगर आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का बच्चा बहुत समझदार है, टीवी देखता है कभी चीज, और बड़े अच्छे देश के बारे में, प्रधानमंत्री के विकास के या उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बड़े अच्छी तरह पता है। अगर आप समझे कि आप उन्हें ठग लेंगे या हम समझे कि हम ठग लेंगे, तो संभवता नहीं है। चलिए हिमांशु जी के, हिमांशु से पूछना चाहूंगी, हिमांशु जी क्या लगता है कि रालोद का साथ पश्चिमी यूपी को साधने में कितनी मदद कर पाएगा सपा की?
देखिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, चाहे जाट समुदाय रहा हो जिन्होंने इनकी सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनका साथ दिया और सरकार बनने तक वो हिंदू रहे और हिंदुत्व पर ये वोट मांगते रहे, हिंदुत्व पर इनको वोट मिला, लेकिन जब वो अपने हक और हुकूक के लिए सड़क पर उतरे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करी, तो उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया पूरे देश में और पूरे प्रदेश में देखा। वहीं चाहे आप ओबीसी वर्ग देख लीजिए, जब ये वोट मांगते हैं तो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, कहते हैं सभी लोग एक हो जाओ और हिंदुत्व के नाम पर वोट करो, लेकिन आज 69,000 शिक्षक भर्ती के जो हमारे पिछड़ा वर्ग के छात्र अभ्यर्थी यहाँ पिछले एक वर्ष से अधिक समय उनको भी हो गया है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं गठबंधन अपनी बात रखने के लिए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास इतना समय नहीं है कि उनकी बात को सुन सकें। सुनने के बजाय जब वो शांतिपूर्वक तरीके से कैंडल मार्च निकालते हैं तो इनकी जो पुलिस है वो उनके साथ इतना जुल्म और जाति करती है, इस प्रकार का व्यवहार करती है, पूरे प्रदेश ने देखा है किस प्रकार उनके साथ आतंकियों जैसा सुलूक किया गया, उनके ऊपर बेशुमार लाठियां बरसाई गई, हमारी बहनों के साथ भी हमारी बहनों पर लाठियां बरसाई गई, कहीं ना कहीं उनके कपड़े फटे हैं, उनके चोटें आई हैं। इस प्रकार ये लोग, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, जब ये वोट मांगने जाते हैं तो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, सबसे कहते हैं संगठित हो जाओ, और संगठन के बाद जब इनकी सरकार बन जाती है तो ये फिर हिंदुस्तान। चलिए हिमांशु जी, सरकार बनने की जहां तक बात है, नीति आयोग की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो कि योगी सरकार के राज की नहीं बल्कि अखिलेश राज की है, जिस पर लगातार ट्वीट्स भी किए गए हैं अखिलेश जी ने और प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्वीट हुए हैं, लेकिन ये भूल गए कि अखिलेश राज की तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि जो जनता है उसके पास राशन नहीं था, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराई हुई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जो भी तमाम बड़े वादे किए गए, जैसे कि आरएलडी की तरफ से कहा गया कि 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को 50% विभाग में जो है आरक्षण मिलेगा, लेकिन साक्षरता की अगर बात करूं 77% युवा जो है, सिर्फ पुरुषों की अगर बात मैं करूं तो साक्षर है, जबकि महिलाओं का जो रेशियो है 57% है। इस गैप को लेकर कुछ नहीं कहा गया घोषणा पत्र में, किस तरीके से ये गैप पूरा करेंगे, जो नौकरी दी जाएगी वो कैसे करेंगे, इस बार जनता प्रूफ चाहती है, सिर्फ वादे नहीं चाहती, उसको कैसे यकीन दिलाएंगे? देखिए हमने जब हमारी पिछली सरकार थी, जो कि प्रश्न अभी इससे पहले लैपटॉप पर भी उठा था, हमारे मुखिया ने जो वादा किया था उसके मुताबिक लैपटॉप भी जो भी नौजवान थे उनको देने का काम किया, और आज विपक्ष में भी हम जो भी टॉपर्स हैं उनको लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लेखपाल भर्ती करी अपनी सरकार के दौरान, उस और सदियों बाद 17-18 साल बाद लेखपाल भर्ती हुई थी, और बड़ी पारदर्शी तरीके से लेखपाल भर्ती हुई, कहीं भी कोई उंगली नहीं उठी, कहीं भी कोई आवाज सर, नहीं जो है, भर्ती की मेरा सवाल उस पर नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो गैप है साक्षरता को लेकर वो कैसे पूरा करेंगे, जो वादा किया गया 1 करोड़ नौकरियों का वो कैसे दिलाई जाएगी, बस इतना समझाइए। देखिए नौकरियां प्रति व्यक्ति चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसकी जो शैक्षिक मापदंड है उसके साक्षर कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे करेंगे सर, क्योंकि आपको 5 साल में शिक्षा के लिए कराई नहीं आपने कुछ भी प्रदेश के अंदर। अरे सर 4.5 साल से आप हैं, आपने करा ली शिक्षा का शिक्षा कौन कराई शिक्षा बताइए, एक यूनिवर्सिटी आप बता दीजिए। आप लोग तो वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम करते हैं। यूनिवर्सिटी पर सर एक एक करके बात करिए, समय की कमी है मेरे पास, मैं चाहूंगी सिर्फ सीधा सा जवाब, कैसे करेंगे हिमांशु जी, हम जो दावे कर रहे हैं वादे कर रहे हैं कैसे पूरा करेंगे? हम यूनिवर्सिटी बनाते हैं, हमारा नेता यूनिवर्सिटी बनाता है, लोगों को शिक्षित करता है, तब आप उस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, उस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम करते हैं। आप शिक्षा का काम करेंगे बता दीजिए। समय की कमी है, जवाब मुझे नहीं मिला हिमांशु जी आपके पास से। प्रदीप जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है यहाँ पर, बढ़ता पेट्रोल और डीजल का दाम को लेकर भी जनता नाखुश है, बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी कि इस समस्या का निवारण हो? देखिए बाकी मैं बिल्कुल आपने सही कहा, एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पे निजात पाने के लिए सरकार काम कर रही है, और ये 4-6 महीने में आपको बहुत चीजों में कम मिलेगी रेट वगैरह, और बहुत सरकार इस चीज की ध्यानता से लेगी, महंगाई कम कैसे की है, उससे बहुत गहन चिंता और चिंतन भी चल रहा है। 7-8 महीने बीत चुके हैं, अब तक नहीं हुआ है, 120 पहुंच चुका है पेट्रोल का दाम। देखिए अर्थव्यवस्था आज हमारे भारत की आज 8 समथिंग पहुंची है, जो बिल्कुल कोरोना में खत्म हो बिल्कुल टिक गई थी, आज उन चीजों को बढ़ावा देने के सरकारों ने ऐसी योजना और इन चीजों अमल कर रही है और ला रही है, जिससे कि अर्थव्यवस्था बढ़े
और महंगाई को डाउन पे लाया जाए। चलिए मेरा एक आखिरी सवाल, बीजेपी का घोषणा पत्र कब तक सामने आएगा? आरएलडी की तरफ से जो पत्र सामने आया घोषणा पत्र, उसमें जो है गरीबी या विकास के मुद्दे को दरकिनार किया गया है। आपसे जानना चाहूंगी कि आपके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि गरीबी एक अहम मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। अगर आप गरीबी की बात करेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से आज ही पूरे भारतवर्ष में 80 करोड़ गरीबों को राशन वितरण करा जा रहा है प्रदेश के अंदर। राशन वितरण उससे गरीबी दूर नहीं होगी सर, राशन वितरण करने से गरीबी दूर नहीं होती है। देखिए गरीबी दूर कैसे होगी बताता हूँ आपको मैं, मुझे केवल 30 सेकंड चाहिए बस जी। पूर्वांचल सबसे पिछड़ा हुआ था प्रदेश के अंदर, जिसने कभी यहाँ कभी देखा नहीं। आप देखिए अयोध्या, काशी, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़ जितने क्षेत्र सबको विकसित इसीलिए करा जा रहा है कि टूरिस्ट आए, नई चीजें आए, हाईवे बने, कामों को लोगों को रोजगार मिले, स्वयं रोजगार मिले। तो चीज के लिए आज इतना काशी में, अयोध्या में टूरिस्ट सब इसलिए आज 10 गुना आने लगा है। अगर ये लोग कुछ करते होते, घाटों का कुछ योजनाएं बनाती होते तो है, बाकी ये तो ये दिखता है कि कुंभ क्यों हो गया, कुंभ में 4.5 करोड़ लोग क्यों आ गए। अब इनकी ये चीजें यही रहती है, कभी ये नहीं बताएंगे जो यादव परिवार ने, एक चाचा ने पश्चिम बांध रखा था, एक चाचा ने पूर्वांचल बांध रखा था, एक चाचा ने रुहेलखंड बांध रखा था, और जो बैग का हिसाब देता जहां आज उनकी लड़ाई चल रही है, और आज चाचा भतीजे को, भतीजे चाचा को नहीं पूछता, पिताजी को इग्नोर कर दिया। और हम किस रहे सब चीजें, तो सवाल चाचा भतीजे पर नहीं था मेरा, खैर बहरहाल समय की कमी है। हिमांशु जी आपसे पूछना चाहूंगी, घोषणा पत्र में जो है आरएलडी ने जो जारी किया है उन दावों को कैसे पूरा करेंगे, या सपा का घोषणा पत्र जो है उसमें गरीबी और विकास को लेकर जनता के लिए क्या है? देखिए घोषणा पत्र जब भी बनाया जाता है तो वो चिंतन और आपसी सहमति के बाद बनाया जाता है, और निश्चित रूप से रोडमैप के आधार पर बनाया जाता है। और उसको हम जो भी घोषणा पत्र 2022 में, हमने जो 2012 में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र किया था उसको 100% पूरा करने का काम किया था। और निश्चित रूप से आप तय मानिए कि 2022 में भी हमारा जो घोषणा पत्र होगा हम उसको पूरा प्रयास करेंगे कि 100% पूरा करें, जनता से किया हुआ प्रत्येक वादा पूरा करें। और एक मैं आखिरी कमेंट आपके माध्यम से देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, जो इन्होंने कहा कि लैपटॉप क्या अपने अपने पैसे से बांट दिए। अरे अपने पैसे से साहब, आपने योगी जी के अपनी तनख्वाह से हाईवे बनवाते हैं, योगी जी के अपनी तनख्वाह से लैपटॉप बांटेंगे, और 4 वर्ष तक इनको लैपटॉप ध्यान नहीं आया। अब जब सरकार जा रही है, जमीन खिसक रही है, तब अब लैपटॉप और टैबलेट का टेंडर भी निकाल रही है। 4.5 वर्ष इनको समय की कमी है। आप दोनों धन्यवाद, आप दोनों का धन्यवाद मैं आपको करना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि चुनावी माहौल जो है इस वक्त काफी सटा हुआ है, साठ गांठ के साथ सब पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। चुनावी प्रचार का दौर उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। अमित शाह की तरफ से भी एक रैली को संबोधित किया जाएगा, जबकि 7 दिसंबर को सपा और आरएलडी एक चुनावी रैली, संगठित चुनावी रैली करने जा रहे हैं, जहां पर किसान जो रूट गए हैं उसको साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, जबकि जाट, मुस्लिम और जो दलित समुदाय है उसको साधने की कोशिश में यहां पर आरएलडी और सपा भी जुटी हुई है। देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव को लेकर अब क्या कुछ रणनीति यहां पर तय की जाएगी, क्या कुछ नई रणनीति यहां पर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज़।